गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 7 जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपका वो कंटिन्यू है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजे थे तो बीच में आपके दो तीन टॉपिक्स रहते थे, आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो आपका रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी देखिए हर सेंस में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, राइट्स के अंदर हम बात करते हैं, हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, हम रिच एंड पुअर की बात करते हैं, हम इनकम का जो लेवल है, इनकम है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, हम उसकी बात करते हैं। और इनइक्वालिटी जिस कंट्री के अंदर से जितनी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी भी उस कंट्री के अंदर उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी डिपेंड ऑन इनइक्वालिटी, अगर इक्वालिटी है तो पॉवर्टी रिड्यूस होती चली जाएगी, लेकिन कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी है तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी होगी। अब बात आती है जो पीछे डेवलपमेंट की हम बात कही थे, परहैप्स मोर देन द डेवलपमेंट इन रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी रिड्यूस इन इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक रीजनेबल सी बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज रिड्यूस होती चली जाएंगी। इवन वेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। क्या जिस कंट्री के अंदर हम जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है वो कम हो जाएगी और डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद जो सभी सिटीजन्स अगर इक्वलिटी बिल सर्व करेंगे, उनको इक्वलिटी मिलेगी, तो क्या कंट्री के अंदर सभी सिटीजन्स की जो लाइफ वो बेटर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यस कह सकते हैं, हाँ उनसे उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट इक्वल होगा, इनकम उनके पास भी बढ़ेगी, और इनकम को देखो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए या पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सबसे मस्ट है कि डेवलपमेंट हो। जब आपके एरिया में, जब आपके कंट्री में, आपके स्टेट के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो पॉवर्टी रिमूव कैसे होगी? अब इसके साथ एक और आ जाता है कि जो इकोनॉमिक वेल्थ है, इनकम है, उसका भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और दोनों के इंक्रीज होने का इनइक्वालिटी या पॉवर्टी का सबसे है कि जो आपका जो इनकम लेवल है, जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। ठीक है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है, जो मैंने लास्ट में भी बताया था कि 90-10 की रेशो। ठीक है, 90% पॉपुलेशन के पास केवल 10% मनी है और 10% पॉपुलेशन के पास 90% मनी है, तो ये चीज़ है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से आपकी इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, और इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है? आपकी पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, और जो डेमोक्रेसीज है जिन कंट्री के अंदर वो किसके ऊपर बेस करते हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को पावर में आने का राइट है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल हैव वेट, इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, हर एक इंडिविजुअल को अपना उसका बराबर राइट है, उसकी बराबर पावर है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है आपके एरिया से वो उसको इलेक्ट कर सके। ठीक है, और ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इन्जॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जो मैंने बताया कि 90-10 का बहुत कम ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम वेल्थ को, मैक्सिमम मनी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, नॉट ओनली दैट द शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। क्लियर, कई बार क्या होता है कि समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड, और जो पुअर रह जाते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रहा, कई बार उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये हमारे बेसिक नीड्स हैं सब। ठीक है, पहले हमारी बेसिक नीड्स तीन चीज़ें थी, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, ठीक है, क्लोथ और हाउस। अब उसके साथ आपकी एजुकेशन भी उसके साथ ऐड हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन मस्ट आज के टाइम में, और हेल्थ भी उसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो ये सारी बेसिक नीड्स कब पूरी कर पाएगा एक इंडिविजुअल? जब पूरी कर पाएगा जब उसके पास इनकम लेवल उसका हाई होगा, उसके पास इनकम होगी। ठीक है, और इनकम ही इन चीज़ को इंक्रीज़ करती है।
अब देखिए यहाँ साथ में कार्टून कहता है डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ द मेजोरिटी, क्या डेमोक्रेसी जो है वो रूल है मेजोरिटी का? हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि मेजोरिटी का रूल है कि जब हम इलेक्शन में देखते हैं जिसको मेजोरिटी यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ वोट सबसे ज़्यादा आ जाते हैं वो मेजोरिटी में होता है और वो विन हो जाता है। द पुअर आर इन मेजोरिटी, इस हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर जो पुअर हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेजोरिटी उनकी है तो गवर्नमेंट उनकी होनी चाहिए। सो द डेमोक्रेसी मस्ट बी ए रूल ऑफ द पुअर, हाउ कैन दिस नॉट बी द केस? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनकम इन्फ्लुएंस है, जो अदर एक्टिविटीज़ का इन्फ्लुएंस है, जो मसल्स पावर का इन्फ्लुएंस है, वो पुअर मेजोरिटी में होने के बाद भी रूल नहीं कर पा रही है। यानी कि रूल कौन कर रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? रिच, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, वेल्थ, मसल पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम उस सिचुएशन में करते हैं, द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज, कई अलग कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशन कुछ हम अलग देखने को देते हैं। इन बांग्लादेश मोर देन द हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ कम से कम आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच, और मैक्सिमम कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जो पुअर हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? रिच के ऊपर। नॉर्मल सी बात, हम अपने कंट्री के अंदर भी देखिए जो पुअर हैं वो डिपेंड है किसके ऊपर? रिच के ऊपर। और हम यहाँ पर पहले बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ द मेजोरिटी, और मेजोरिटी मैक्सिमम कंट्री में देखते हैं पुअर की है, तो गवर्नमेंट भी या रूल भी किसे करना चाहिए? पुअर को। लेकिन ऐसा नहीं है, जो रूल करते हैं वो कौन करते हैं? रिच करते हैं। तो पुअर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रिच के ऊपर, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज, और मैक्सिमम देखते हैं फूड सप्लाई के लिए ही डिपेंड करते हैं कि कम से कम उनको दो टाइम का खाना उनको मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो पॉलिसीज रन करती है कि भी किसी तरह से हम क्या करें, पॉवर्टी को रिमूव करें, फूड प्रोवाइड करें, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, इनइक्वलिटी को डिक्रीज़ किया जाए। अब इनइक्वलिटी हम रिजर्वेशन देखें तो रिजर्वेशन भी स्टार्ट इसलिए हुआ था किसी तरह से इनइक्वलिटी कम हो जाए, कि जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे उनको आगे आने का मौका मिले। अब यह जो कार्टून दिखा रहा है इसके अंदर भी देखा है कि ये पुअर को शो कर रहा है कि भाई मुंह इसका सिला हुआ है कि वह जो पुअर है वो कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो कंट्रोल किया हुआ है कौन किया हुआ है? रिच सोसाइटीज़। तो इस सभी को रिड्यूस करने के बाद ही काम आगे की तरफ बढ़ेगा और लोग जो पुअर पॉवर्टी है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।